हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का क्वेश्चन। व्हाई कार्बन डज नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कार्बन इलेक्ट्रॉन्स ना तो गेन करता है और ना ही लूज करता है, इसकी क्या वजह है, इसके क्या रीजंस हैं, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। चलिए सबसे पहले गेन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कार्बन का एटॉमिक नंबर, उसके इलेक्ट्रॉन्स और कैसे इलेक्ट्रॉन्स है किस शेल में, वो पता होना चाहिए। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो इसका मतलब है प्रोटॉन्स की जो गिनती है कार्बन के पास वो 6 है, और प्रोटॉन्स के ऊपर एज यू नो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ना तो लूज हुए हैं ना ही गेन हुए हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की गिनती सेम रहती है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स भी 6 मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। तो यानी कि जो अभी अपना कार्बन 6 है, उसने 6 प्रोटॉन्स ने 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया हुआ है। कॉन्फिग्रेशन की अगर बात करें तो के शेल और एल शेल 2.4 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम के 2.4 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब चलिए बात करते हैं पहले गेन की। व्हाई नॉट गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट गेन। गेन करने का मतलब है कि कार्बन के पास अभी एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएं ताकि आउटर कॉन्फ़िगरेशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से मैच करेगा जो कि नियॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। लेकिन ये चीज़ नहीं हो पा रही, उसकी वजह क्या है? अगर हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करवा रहे हैं कार्बन की एटम को, तो इसे प्रोटॉन्स की गिनती पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोटॉन्स तो पहले भी 6 थे और अभी भी 6 ही रहेंगे, तो प्रोटॉन्स की गिनती तो 6 की 6 ही रही। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो बढ़कर टोटल 10 हो जाएंगे, क्योंकि 6 तो पहले से कार्बन के पास खुद थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर लिए तो 10 हो गए। यानी कि अब 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है, उनको अपनी तरफ बांध के रखना है, और ये जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, या फिर अगर हम लोग बात करें तो इम्पॉसिबल है कि 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करें। तो इसीलिए कार्बन की एटम कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकती। आप इसको जनरल लाइफ में समझ सकते हो कि अगर आपके घर में 1 या 2 गेस्ट आ जाएं तो आप उनको इजीली हैंडल कर लोगे, लेकिन एकदम से अचानक से ही 6-7 जने आ जाएं तो एक बार तो डिफ़िकल्टी हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पर है कि 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना इट्स क्वाइट टफ, तो इसीलिए कभी भी वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करेगा। तो अब लूज़ करने की बात आ गई, तो फिर वो लूज़ कर ले। लूज़ करने का मतलब क्या है कि 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बाहर, और क्या फॉर्म हो जाएगा? C4 पॉजिटिव। यहाँ पर बनेगा C4 नेगेटिव अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है एनायन, और पॉजिटिव चार्ज है कैटायन। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। अब उसकी वजह क्या है? देखिए, अब अपन ने बात की कि 6 प्रोटॉन्स ने 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा हुआ है, और हम कह रहे हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल वाले हैं वो लूज़ कर दे। क्या इतना आसान है? इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं प्रोटॉन्स के साथ, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बंधे हुए हैं। ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, और प्रैक्टिकल लेवल पर इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती। इसीलिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी कार्बन के एटम को छोड़कर नहीं जा सकते। मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग? एनर्जी की जो अवेलेबिलिटी है वो है ही नहीं है। एनर्जी अवेलेबिलिटी नहीं है किस चीज़ के लिए? कि इलेक्ट्रॉन्स की जो बॉन्डिंग है वो न्यूक्लियस से ब्रेक की जा सके, और इस वजह से कभी भी वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, सपोज़ कर लो, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और ये हीलियम के साथ कॉन्फ़िगरेशन मैच हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब क्या है
गेन करना डिफ़िकल्ट इसीलिए है क्योंकि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हैंडल नहीं कर पाएंगे, और लूज़ करना इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की, जिसे ब्रेक करना आसान नहीं है। तो इस वजह से कार्बन कभी भी ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ना ही लूज़ करेगा। अगर इसे अपनी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करनी है, नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, तो इसे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़ता है, चाहे कार्बन की ही दूसरी एटम्स के साथ करें चाहे किसी और एलिमेंट की एटम के साथ करें। थैंक यू।